मोहम्मद जुबैर मामले में HC ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। दिल्ली पुलिस को मोहम्मद जुबैर मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। दिल्ली पुलिस को 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करना होगा, फिर 1 हफ्ते में जुबैर को दिल्ली पुलिस के जवाब पर रिजॉइंडर देना होगा। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि गिरफ्तारी के मामले में मोहम्मद जुबैर ने पुलिस रिमांड को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर जुबैर की ओर से मामले में वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर ने पक्ष रखा। कोर्ट ने कहा, जब आपकी पुलिस रिमांड कल खत्म हो रही है तो ऐसे में इस मामले में सुनने से कोई खास फायदा नहीं होगा। ये कोई बेल का मामला नहीं है, इस मामले की शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होगी। आप उचित कोर्ट में मामले रखें, कल जब कोर्ट में पेशी होगी। वृंदा ने अपने मुवक्किल की ओर से सवाल किया, क्या मेरा पासपोर्ट, मोबाइल, मेरा लैपटॉप जब्त किया जा सकता है? मेरा ट्वीट तो ट्विटर के सर्वर पर है, मैंने तो फोन से ट्वीट किया था, तो मेरा लैपटॉप क्यों जब्त किया गया? रिमांड ऑर्डर में भी लिखा है कि लैपटॉप जब्त कर सकते हैं, मैं एक पत्रकार हूं, वो मेरे लैपटॉप में क्या ढूंढ रहे हैं? सुनवाई के दौरान वृंदा ग्रोवर ने पूछताछ के तरीके पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल को रात को 10 बजे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया गया, उसे कभी रिमांड एप्लीकेशन नहीं दी। दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ऑनलाइन पक्ष रखा। वृंदा ग्रोवर ने कहा, हनुमान भक्त नाम के ट्विटर यूजर ने पहला ही ट्वीट इस शिकायत के साथ किया, उस समय इसका केवल 1 फॉलोअर था। इस ट्वीट को उठाने के लिए अलग तरीके के मॉनिटरिंग चाहिए। क्या कोर्ट ने इस बात को देखा कि पहली नजर में कोई मामला बनता भी है? इस पर कोर्ट ने कहा, रिमांड कल खत्म हो सकती है, तो वृंदा ने कहा, आप नोटिस जारी कर दे। सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने कहा कि पता नहीं लैपटॉप को लेकर क्या चिंता है, तो वृंदा, मैं सरकार को अपनी प्राइवेसी में दखल नहीं देने दूंगी, मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं है। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पर कहा कि पुलिस कोई पक्षपात नहीं कर रही, FIR दर्ज हुई है और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जांच शुरू की है। केवल इस ट्वीट के मामले नहीं बल्कि इस तरह के ट्वीट्स का मामला है। रिकॉर्ड बताते हैं कि केवल ये 4 ट्वीट्स नहीं, कुछ और भी मिला है। हाईकोर्ट ने पूछा, क्या पुलिस रिमांड बढ़ाने के लिए कहेगी? तो SG ने कहा, ये मेरे लिए अनुमान लगाने वाली बात है, ये पुलिस ही तय करेगी क्योंकि जांच चल रही है। तुषार मेहता ने कहा कि अगर नोटिस जारी करेंगे तो मैं नोटिस का जवाब दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जस्टिस नरूला ने कहा, मैं इस मामले में नोटिस जारी करने का इच्छुक हूँ। मोहम्मद जुबैर मामले में हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है, जिस पर जनता की सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। एक यूजर लिखती है, खुदा उनको हर बला से बचाए, आमीन। वहीं एक और यूजर ने कहा, सत्य की हमेशा जीत हो। वहीं एक और यूजर कहते हैं, अभी लोकतंत्र नहीं ठोकतंत्र चल रहा है। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, दिल्ली पुलिस से हाथ जोड़कर आग्रह है, खातिरदारी में कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि मोहम्मद जुबैर मामले से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।